इन दिस चैप्टर वी डेवलप द फॉरवर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर रिजिड रोबोट्स। हमारे पास क्या है, रिजिड रोबोट्स हैं, फ्लेक्सिबल रोबोट्स नहीं है, रिजिड रोबोट्स हैं। हम उनके लिए क्या डिटरमिन करते हैं, जो हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, पोजिशन और ओरिएंटेशन किसकी, एंड इफेक्टर की। द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल जॉइंट्स ऑफ द रोबोट मैनिपुलेटर एंड द पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टूल और एंड इफेक्टर। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर आपको किससे डील करना है, इंडिविजुअल ज्वाइंट का जो रिलेशनशिप है किसके साथ, पोजिशन और ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, पोजिशन और ओरिएंटेशन की के साथ जो ज्वाइंट का रिलेशनशिप है हमने वो यहाँ पर डिटरमिन करना है। हमने उसके लिए क्या करनी है, काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करनी है। आगे देखो, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, इज टू डिटरमाइन द पोजिशन एंड ओरिएंटेशन किसकी, एंड इफेक्टर की, गिवन द वैल्यूज फॉर द जॉइंट वेरिएबल्स ऑफ द रोबोट। तो हमें दिया हुआ क्या होगा, इनपुट की फॉर्म में जॉइंट वेरिएबल्स। अब जॉइंट वेरिएबल क्या होंगे हमारे पास, एक तो हमें दिया होगा कि एंगल ऑफ रोटेशन और दूसरा जो हमारे पास लिंक्स हैं उन लिंक्स की लेंथ या उनके साथ जो भी पैरामीटर्स एसोसिएट है हमें वो गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। जॉइंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, आर द एंगल्स बिटवीन द लिंक्स इन द केस ऑफ रेवोल्यूट और रोटेशनल जॉइंट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होंगे, दो लिंक होंगे, उनके बीच में हमारे पास क्या होगा, एक जॉइंट होगा, उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, जॉइंट वेरिएबल होगा। और जॉइंट वेरिएबल हमें क्या देता है, एंगल देता है, इसके बीच का एंगल, बिटवीन द लिंक्स इन द केस ऑफ रेवोल्यूट और रोटेशनल जॉइंट्स। ठीक है, तो दो लिंक है हमारे पास, उनके बीच में क्या लगा हुआ है, रेवोल्यूट या फिर रोटेशनल जॉइंट हम कह सकते हैं। अब इन दोनों लिंक के बीच में जो रिलेशनशिप है इन द फॉर्म ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन वो हमें कहां पे मिलेगा, जॉइंट पर। और एंड द लिंक एक्सटेंशन इन द केस ऑफ प्रिस्मेटिक और स्लाइडिंग जॉइंट, प्रिस्मेटिक और स्लाइडिंग जॉइंट अगर होगा तो हमें इनपुट क्या मिलेगा, एक्सटेंशन, लिंक की एक्सटेंशन जो आपने डी किया था ना, डी स्ट्रोक, वो आपके लिए क्या होगा, इनपुट पैरामीटर इन द केस ऑफ प्रिस्मेटिक और स्लाइडिंग जॉइंट। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम में क्या होता है, इज टू बी कंट्रास्टेड विद द इनवर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। अब इनवर्स में क्या होगा, विच विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड विच इज कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग वैल्यूज फॉर द जॉइंट वेरिएबल्स that achieve a desired position and orientation for the end effector of the robot. So, inverse kinematics में हम क्या करते हैं, हमारे पास desired value होगी किसकी, end effector की desired value हमारे पास होगी, लेकिन input parameters हमारे पास नहीं होंगे। अगर आपको वो determine करना हो कि input variables हमारे पास क्या हो, ठीक है, in the form of link extension और angle of rotation in case of rotational or revolute joint, तो अगर आपको वो determine करना हो तो आप इस किस अप्रोच से डील करेंगे, इनवर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम से। ठीक है, फॉरवर्ड और इनवर्स आपको क्लियर है। हाँ जी, फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं, हाँ जी, एंड इफेक्टर की पोजीशन और ओरिएंटेशन को आपको अगर डिटरमाइन करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम की हेल्प से। ठीक है, इनवर्स में हमारे पास क्या है, जो डिजायर्ड वैल्यू है एंड इफेक्टर की वो हमें नोन होगी, लेकिन जो इनपुट पैरामीटर्स हैं वो अननोन होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिंक एक्सटेंशन और एंगल ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ रेवोल्यूट और रोटेशनल जॉइंट, वो हमें अननोन होते हैं। नोन वैल्यू क्या है, एंड इफेक्टर की डिजायर्ड पोजिशन और ओरिएंटेशन। ठीक है, अब हम करते हैं ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है ये काफी आपके लिए हेल्पफुल रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो देखो अब काइनेमेटिक चेन क्या होती है, As described in chapter 1, a robot manipulator किससे मिलकर बना होता है, is composed of a set of links connected together by various joints. तो robot manipulator हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर number of links हों और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हों, with the help of joints. The joints can either be very simple such as a revolute or a prismatic joint or else they can be more complex such as a ball and socket joint. तो हम complex joint किसको बोलेंगे, ball and socket joint को। ठीक है, अब इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगे वो मोर देन वन होंगे बॉल एंड सॉकेट में, लेकिन जो अगर हम सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास कौन सा केस होगा, रेवोल्यूट जॉइंट या फिर प्रिस्मेटिक जॉइंट का केस होगा। अब ये देखो कि आपने किस जॉइंट को बोलना है, किस पर्टिकुलर मैकेनिकल जॉइंट को आप क्या बोलोगे, रेवोल्यूट जॉइंट है
Recall that a revolute joint is like a hinge and allows a relative rotation about a single axis. ठीक है, अगर हमें एक एक्सिस के अबाउट क्या मिल जाए, रोटेशन मिल जाए, और हम किस जॉइंट को बोलेंगे, लाइक अ हिंज जॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ रेवोल्यूट जॉइंट टाइप केस. एंड प्रिस्मेटिक जॉइंट परमिट्स अ लीनियर मोशन अलोंग अ सिंगल एक्सिस. अगर हमें एक सिंगल एक्सिस के अबाउट क्या मिले, लीनियर मोशन मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रिस्मेटिक जॉइंट. ठीक है, अब जो लीनियर मोशन मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोल देते हैं या रिट्रैक्शन बोल देते हैं. अब ये देखो, अब जो फर्स्ट इंस्टेंस था हमारे पास, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट इंस्टेंस में द जॉइंट हैज ओनली अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन. तो हमें एक सिंगल एक्सिस के अबाउट क्या मिल रहा है, या तो लीनियर मोशन मिलेगा या फिर हमें रोटेशनल मोशन मिलेगा. हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन. द एंगल ऑफ रोटेशन इन द केस ऑफ अ रेवोल्यूट जॉइंट एंड द अमाउंट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ अ प्रिस्मेटिक जॉइंट. तो प्रिस्मेटिक जॉइंट के अबाउट हमें क्या मिलती है, लीनियर मोशन, और रेवोल्यूट जॉइंट के अबाउट हमें क्या मिलती है, रोटेशनल मोशन. ये कौन सा हमारा फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम है, ये हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है. ठीक है, इसके अगर हम दूसरी तरफ देखें, कौन सा, पोल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पर क्या होगा, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास. इन दिस लूप इट इज अज्यूम्ड थ्रू आउट दैट ऑल जॉइंट्स हैव ओनली अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो जो हमारे सिलेबस में रहेगा, जो भी हमें रोबोटिक, जो हमें काइनेमेटिक चेन को स्टडी करना है, उसके अंदर हमने सिर्फ सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोशन को स्टडी करना है. ठीक है, हमारे सिलेबस में हम बाउंडेड है कहां तक, कि हमने सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन को सिस्टम को स्टडी करना है. देखो अब ये चीज देखो, नोट दैट द अजम्पशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी रियल लॉस ऑफ जनरलिटी. ठीक है, तो रियल लाइफ में हमारे पास क्या होते हैं, जो हर जॉइंट के अबाउट हमें मोशन मिलता है, वो मोर देन वन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है, तो हम उसका लॉस नहीं कर रहे हैं. सिंस जॉइंट सच एज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और अ स्फेरिकल रिस्ट, अब स्फेरिकल रिस्ट में क्या होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और जो हमारा बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट होगा उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा. कैन ऑलवेज बी थॉट ऑफ एज ए सक्सेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट्स विद लिंक्स ऑफ लेंथ 0 इन बिटवीन. ठीक है, तो जहां पर भी अगर आपके पास ये जॉइंट हो, बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट हो या स्फेरिकल रिस्ट टाइप जॉइंट हो, तो उसको हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, एज ए सक्सेशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट्स विद लिंक्स ऑफ लेंथ 0 इन बिटवीन. ठीक है, तो हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, कि हमारे पास सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम तो है, लेकिन वो जो हमें सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मिल रहा है ना, वो हमें कैसे मिल रहे, सक्सेशन में मिल रहा है, एक के बाद दूसरा मिल रहा है, और लिंक्स की जो लेंथ है ना इन बिटवीन, हम उसको 0 मान लेते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर अगर आपने बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट लगाया, ठीक है, जहां पर पहले क्या था, रेवोल्यूट जॉइंट था, अगर आपने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लगाया, तो हम उसको कैसे अज्यूम करेंगे कि एक मोशन के बाद हमें दूसरा मोशन मिल रहा है, लेकिन उनके बीच की जो लिंक की लेंथ है उसको हमने 0 अज्यूम कर लिया. ठीक है, अब आगे देखो, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल रियल नंबर. द एंगल ऑफ रोटेशन इन द केस ऑफ अ रेवोल्यूट जॉइंट और द डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ अ प्रिस्मेटिक जॉइंट. तो इसको जब हमने ट्रीट करना है, इस केस को जब हमने स्टडी करना है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को, तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, द एक्शन ऑफ ईच जॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल रियल नंबर. तो हमारे पास क्या होगा, कि हमने क्या करना है, रोबोट को डायनेमिकली हमने स्टडी नहीं करना, रोबोट को काइनेमेटिकली हमने स्टडी करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो भी हमारे पास इनपुट पैरामीटर है उसको हम किससे ट्रीट करेंगे, सिंगल रियल नंबर से. ठीक है, जैसे आपके पास एंगल ऑफ रोटेशन जो होगी उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी आपके पास, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा इन केस ऑफ प्रिस्मेटिक जॉइंट, वहां पे भी आपके पास क्या होगी, एक रियल नंबर की वैल्यू होगी आपके पास. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, is to determine the cumulative effect of the entire set of joint variables. तो हमने क्या स्टडी करना है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट को, कि जितने भी हमारे पास ज्वाइंट वेरिएबल्स हैं, चाहे वो प्रिस्मेटिक हो, चाहे वो रेवोल्यूट ज्वाइंट हो, चाहे वो बॉल एंड सॉकेट हो, चाहे वो स्फेरिकल रिस्ट हो, तो हमने क्या करना है, उसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट को स्टडी करना है, कि मतलब कि हमारे पास रिजल्टेंट जो इफेक्ट होगा ना एंड इफेक्टर के ऊपर, उसका जो मोशन है उसको हमने डील करना है यहाँ पर. In this chapter, we will develop a set of conventions that provide a systematic procedure. अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? A set of conventions बनाएंगे. ठीक है?
हमने क्या डेवलप करनी है, अ सेट ऑफ कन्वेंशंस, मतलब कि मेरा जो रोबोट है उसकी जो वर्किंग है वो हमने कैसे स्टडी करनी है, स्टेप वाइज हमने स्टडी करनी है इन टर्म्स ऑफ ज्वाइंट वेरिएबल्स और लिंक एक्सटेंशंस की फॉर्म में। ठीक है, आगे देखो, इट्स ऑफ कोर्स पॉसिबल टू कैरी आउट फॉरवर्ड काइनेमेटिक एनालिसिस इवन विदाउट रिस्पेक्टिंग दीज कन्वेंशंस एज वी डिड फॉर द टू लिंक प्लानर मैनिपुलेटर एग्जांपल इन चैप्टर वन। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जैसे हम रोटेशन कंपोनेंट था हमारे पास, ट्रांसलेशन कंपोनेंट था, परस्पेक्टिव और स्केलिंग था, हमने उसकी फॉर्म में तो एक्सप्रेस किया था ज्वाइंट वेरिएबल्स को, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस तरीके से हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन हम चीज वही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने मटेरियल पहले स्टडी किया था ना कि रोबोट का एंड इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फॉरवर्ड काइनेमेटिक एनालिसिस को हम यूज करेंगे, लेकिन हम जो कन्वेंशन जो हमने हमारे पास जो इनपुट पैरामीटर्स हमारे पास पहले थे ना इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन और कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, अब हम क्या करेंगे, कन्वेंशन यहाँ पे हमारे बदल जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास जो एंटी फैक्टर का मोशन है हम वही स्टडी कर रहे हैं पहले वाला ही। हाउएवर द काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ एन एन लिंक मैनिपुलेटर कैन बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड द कन्वेंशंस इंट्रोड्यूस बिलो सिंप्लीफाई देयर एनालिसिस कंसिडरेबली। तो यहाँ पे जो हमारी एनालिसिस होगी ना उसकी सिंप्लीफिकेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, काफी ईजी हो जाएगी। Moreover, they give rise to a universal language with which robot engineers can communicate. और यहाँ पर क्या है कि अब रोबोट के साथ आपको डील करना है, तो रोबोट को क्या होगा कि एक ऐसी लैंग्वेज हम दें जिसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी दूसरे इंजीनियर से भी बात करें तो उसको सिंप्लिसिटी हो उसको समझने में। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स अप्रोच है, ठीक है, वो हमारी यहाँ से स्टार्ट है। देखो इसके अंदर क्या है, रोबोट मैनिपुलेटर विद एन जॉइंट्स विल हैव एन प्लस वन लिंक्स सिंस ईच जॉइंट कनेक्ट्स टू लिंक्स। ठीक है, तो हर जॉइंट जो है वो दो लिंक को अगर ज्वाइन करता है, ठीक है, तो हमारे पास पूरे रोबोट मैनिपुलेटर में, रोबोट मैनिपुलेटर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड टुगेदर बाय वेरियस जॉइंट्स। हम रोबोट मैनिपुलेटर की अगर बात करेंगे तो क्या मतलब है कि नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड टुगेदर बाय वेरियस जॉइंट्स। तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास अगर n ज्वाइंट है तो वहां पे हमारे पास लिंक्स कितने होंगे, n प्लस वन लिंक होंगे, क्योंकि हर ज्वाइंट जो है वो दो लिंक को कनेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट अगर n है तो लिंक कितने होंगे, n प्लस वन। अब हमने नंबरिंग करनी है, वी नंबर दी ज्वाइंट्स, पहले हमने वो देख लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वी नंबर दी ज्वाइंट्स फ्रॉम 1 टू n एंड वी नंबर दी लिंक्स फ्रॉम 0 टू n स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस। तो लिंक की जब हमने नंबरिंग करनी है तो 0 टू n करनी है, जो हमारे पास बेस है उसको हम एक नंबर देंगे, दैट इज जीरो असाइंड हियर, ठीक है। और जो नंबरिंग करनी है हमने जॉइंट्स की, वो हम कैसे करेंगे, वन टू एन, ठीक है, जॉइंट को हम नंबरिंग देंगे वन टू एन और लिंक्स को हम नंबरिंग देंगे जीरो टू एन, ठीक है, और बेस को हम नंबर क्या देंगे, जीरो। बाय दिस कन्वेंशन ज्वाइंट आई कनेक्ट्स लिंक। अब ये देखो, जो ज्वाइंट आई होगा, कोई भी अगर आपके पास ज्वाइंट है तो वो किन दो लिंक्स को कनेक्ट कर रहा होगा, आई माइनस वन टू आई, ठीक है। जो आपके पास ज्वाइंट होगा, कोई भी ज्वाइंट है, अगर उसको हमने आई नेम दिया तो वो कनेक्ट किन दो लिंक्स को कर रहा होगा, आई माइनस वन टू लिंक आई। वी विल कंसिडर द लोकेशन ऑफ ज्वाइंट आई टू बी फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू लिंक आई माइनस वन, ठीक है। तो जॉइंट आई की जो लोकेशन है वो हम कैसे करेंगे, पहले हम लिंक को असाइन कर देंगे, लिंक आई माइनस वन के जो ऊपर लिंक लगा होगा वो कौन सा लिंक होगा, आई। तो पहले हमने लिंक को असाइनमेंट देनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, जॉइंट को हमने असाइनमेंट दे दिया है, जॉइंट को हमने नंबरिंग दे देनी है। व्हेन जॉइंट आई इज एक्चुएटेड, ठीक है, अगर हम जॉइंट आई को मोशन देंगे तो उसके कारण जो आगे जो मोशन ट्रांसफर होगा वो किस लिंक को जाएगा, लिंक आई, मूव इन अकॉर्डेंस विद द लिंक इन अकॉर्डेंस विद द जॉइंट आई। अगर हमने जॉइंट आई को मोशन दिया तो वो मोशन किस लिंक के पास जाएगा, दैट मोशन विल गो टू द लिंक आई। ये आपको याद रखनी है चीजें, ये कुछ कन्वेंशंस हैं, ठीक है। देयरफॉर लिंक जीरो द फर्स्ट लिंक इज फिक्स्ड एंड डज नॉट मूव व्हेन द जॉइंट्स आर एक्चुएटेड, ठीक है। तो जब हमारे पास, क्योंकि जो आपका मोशन है ना वो आगे ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर आपका बेस लिंक जो है उसको हमने जो ये है, देयरफॉर लिंक जीरो इज फिक्स्ड,
ठीक है, लिंक जीरो कौन सा है, हमारा बेस लिंक है, ठीक है, तो बेस लिंक हमारा फिक्स हो गया एंड डज नॉट मूव व्हेन द जॉइंट्स आर एक्चुएटेड, यानी कि जॉइंट्स को जब हमने मोशन दिया तो लिंक जीरो जो है मेरा उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं आएगी, उसके अंदर कोई एक्चुएशन नहीं आएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स अब ये देखो जो रोबोट मैनिपुलेटर है कुड इटसेल्फ बी मोबाइल, एग्जांपल इट कुड बी माउंटेड ऑन अ, अब ये देखो जो रोबोट मैनिपुलेटर है, ठीक है, जो रोबोट मैनिपुलेटर है हम उसको मोबाइल बना सकते हैं। वो मोबाइल कैसे बनेगा, अगर हम उसको कहाँ पर प्लेस कर दें, ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म और एन ऑटोनोमस व्हीकल, तो हमारा जो रोबोट मैनिपुलेटर है उसको हम मोबिलिटी दे सकते हैं, उसको हम मोशन दे सकते हैं। कैसे देंगे मोशन, हम उसको या तो मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दें या फिर हम उसको किसी ऑटोनोमस व्हीकल के ऊपर रख दें, ठीक है, बट वी विल नॉट कंसिडर दिस केस इन द प्रेजेंट चैप्टर सिंस इट कैन बी हैंडल्ड इजीली बाय स्लाइटली एक्सटेंडिंग द टेक्निक्स प्रेजेंटेड हियर। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने क्या करना है, हमेशा ही अपने बेस को फिक्स करना है, जो रोबोट मैनिपुलेटर का बेस है उसको हमने फिक्स रखना है। रोबोट मैनिपुलेटर हमारे पास मोबाइल नहीं होगा, वो क्या होगा, स्टेशनरी होगा, वो एक रिजिड होगा, ठीक है। अब ये देखो जो हमारे पास आईएफ जॉइंट होगा, अब उसके साथ क्या है, एक वेरिएबल एसोसिएट है, उसको हमने नेमिंग क्या दी है, क्यूआई। ये कोई भी ज्वाइंट वेरिएबल है, ज्वाइंट वेरिएबल हम किसको बोल रहे हैं, जो हमारे पास आईएथ ज्वाइंट है, हमने कोई भी ज्वाइंट लिया उसको हमने आईएथ ज्वाइंट बोला, तो इसके साथ एक पैरामीटर एसोसिएट कर दिया, उसको हमने नेमिंग क्या दी, क्यू आई, ठीक है, ठीक है। तो ज्वाइंट वेरिएबल जो भी हमारे पास होगा उस वेरिएबल का नेम क्या है, क्यू आई, और वो वेरिएबल हमने किसको असाइन किया, आईएथ ज्वाइंट को, और वेरिएबल का नेम क्या है, क्यू आई। In the case of a revolute joint, QI is the angle of rotation, ठीक है, and in the case of a prismatic joint, QI is the joint displacement, ठीक है, तो angle of rotation और ये joint displacement। अब joint I कौन सा है, revolute है, ठीक है, अगर revolute है तो उसके साथ कौन सा parameter associate होगा, theta I stands for angle of rotation for joint I, joint I prismatic, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, joint displacement, ठीक है, ये जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, ये हमने नंबर किसको दिया, जो हमारे पास जॉइंट है, ठीक है, उसको हमने एक वेरिएबल असाइन किया क्यू आई। अब ये वेरिएबल का नेम जो होगा वो थीटा आई भी हो सकता है और डी आई भी हो सकता है। अगर हमारे पास रेवोल्यूट जॉइंट हुआ तो ये जो थीटा आई होगा ये कौन सा हो जाएगा, जॉइंट आई को हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, ठीक है। अब जॉइंट आई हमारे पास प्रिस्मेटिक है, तो हमारे पास जो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे जैसे ये जो हमारे पास हो गया ना, ये बेस लिंक हो गया। अब जैसे ये फर्स्ट लिंक है तो ये बेस के अबाउट इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बेस लिंक। अब ये जो लिंक है ना, ये फर्स्ट लिंक हो गया, तो ये इस बेस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अगर ये थीटा वन जीरो होगा तो ये क्या होगा, ये जो लिंक होगा ये स्टेशनरी होगा, और यहाँ पर हमने क्यूमुलेटिव इफेक्ट को स्टडी करना है, एंड इफेक्टर के क्यूमुलेटिव इफेक्ट को। ये नहीं है जैसे कि एंड इफेक्टर का ये जो लिंक है ये इस लिंक के आगे लगा हुआ है, तो इसके अंदर जो मोशन होगा एंड इफेक्टर के अंदर वो सिर्फ ये लिंक डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं है। इस एंड इफेक्टर के अंदर जो भी मोशन होगा वो हमें क्या मिलेगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलेगा पूरी की पूरी रोबोट मैनिपुलेटर का, ठीक है। रोबोट मैनिपुलेटर क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड टुगेदर बाय वेरियस जॉइंट्स। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास इनपुट वेरिएबल ये हो गया, ठीक है, क्यू आई, थीटा आई इन केस ऑफ रेवोल्यूट जॉइंट और डी आई इन केस ऑफ अ प्रिस्मेटिक जॉइंट। टू परफॉर्म द काइनेमेटिक एनालिसिस वी रिजिडली अटैच अ कोऑर्डिनेट फ्रेम टू ईच लिंक। तो काइनेमेटिक एनालिसिस जब भी आपने करनी हो, ठीक है, काइनेमेटिक एनालिसिस जब भी आपने करनी हो तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी रिजिडली अटैच अ कोऑर्डिनेट फ्रेम टू ईच लिंक, ठीक है। तो हर लिंक के ऊपर हमने क्या अटैच कर दिया, कोऑर्डिनेट फ्रेम। जैसे कि इस लिंक के ऊपर हमने ये कोऑर्डिनेट फ्रेम अटैच कर दिया, इस लिंक के ऊपर हमने ये कोऑर्डिनेट फ्रेम अटैच कर दिया, इस लिंक के ऊपर हमने ये कोऑर्डिनेट फ्रेम अटैच कर दिया, ठीक है। देखो इन पर्टिकुलर वी अटैच वाई एक्स आई पाई आई जेड आई टू लिंक आई, ठीक है। अगर हमारे पास लिंक, अब जैसे ये होता है लिंक जीरो, तो लिंक जीरो के ऊपर हमारे पास ये वाला है कोऑर्डिनेट फ्रेम ओ जीरो एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो। लिंक वन के ऊपर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर जो मोशन आएगा ना वो इस ज्वाइंट के कारण आएगा ना, तो इसको हमने एक वो दे दिया। जैसे एक हमने, जैसे अगर लिंक वन है तो ओ वन एक्स वन वाई वन जेड वन, तो लिंक वन के लिए आ जाएगा, लिंक टू के लिए, ऐसे लिंक थ्री के लिए। दिस मीन्स दैट नेवर वट एवर मोशन द रोबोट एग्जीक्यूट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑन लिंक आई आर कॉन्स्टेंट वेन एक्सप्रेस्ड इन द आईथ कोऑर्डिनेट फ्रेम। इसका मतलब देखो, हाँ जी, अब हमने हर लिंक के कोरिस्पॉन्डिंग क्या कर दिया, एक कोऑर्डिनेट फ्रेम हमने उसको रिजिडली उसके ऊपर अटैच कर दिया, और वो कोऑर्डिनेट फ्रेम हम कहाँ पे लोकेट करेंगे, ऑन दी ज्वाइंट। ठीक है, वी लोकेट दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम दैट इज रिजिडली अटैच टू दी लिंक। दिस मीन्स दैट वट एवर मोशन दी रोबोट एग्जीक्यूट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑन लिंक आई आर कॉन्स्टेंट वेन एक्सप्रेस्ड इन दी आईथ कोऑर्डिनेट फ्रेम। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो ये असाइनमेंट किया ना, ये हमने जो कोऑर्डिनेट फ्रेम अटैच किया है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी मोशन, ठीक है, वट एवर मोशन दी रोबोट एग्जीक्यूट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑन लिंक आई आर कॉन्स्टेंट वेन एक्सप्रेस्ड इन दी आईथ कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो अगर हमारा मोशन जो है, अगर वो रोबोट एग्जीक्यूट करता है, तो क्या होगा, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं लिंक के ऊपर, उनकी लोकेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट फ्रेम, वो हमारे पास चेंज नहीं होती। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट फ्रेम, हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं लिंक के ऊपर, उनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ज्वाइंट या विद रिस्पेक्ट टू द ये कोऑर्डिनेट फ्रेम, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। फर्दर मोर व्हेन ज्वाइंट आई इज एक्चुएटेड लिंक आई एंड इट्स अटैच्ड फ्रेम एक्सपीरियंस रिजल्टिंग मोशन। ठीक है, तो जब हम मोशन देंगे, किसको देंगे मोशन, हम किसको एक्चुएट करेंगे, हम ज्वाइंट को। जब हम ज्वाइंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ज्वाइंट को हम वो करेंगे एक्चुएट करेंगे, तो लिंक आई और इसके साथ का जो अटैच फ्रेम है उसके अंदर क्या होता है, एक रिजल्टिंग मोशन होता है। ठीक है, अब ये देखो, जो हमारे पास ये जीरोथ कोऑर्डिनेट फ्रेम है, इसको हमने कहाँ अटैच किया है, रोबोट के बेस पर। इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम है, इसको हमने रोबोट के बेस पर अटैच किया है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास बेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, तो फिगर वन इलुस्ट्रेट्स द आइडिया ऑफ अटैचिंग फ्रेम। ठीक है, अब ये 3.1 में देखो, ये हमारे पास क्या है, एल्बो मैनिपुलेटर है। ठीक है, एल्बो मैनिपुलेटर है, आइडिया ऑफ अटैचिंग फ्रेम्स रिजिडली टू लिंक्स इन द केस ऑफ एन एल्बो मैनिपुलेटर। अब एल्बो के केस में हमारे पास देखो कौन कौन से ज्वाइंट होंगे। हाँ जी, एल्बो के केस में हमारे पास कौन कौन से ज्वाइंट होंगे, जब हम करेंगे, देखते हैं एल्बो के केस में हमारे पास कौन कौन से ज्वाइंट होंगे। तो एल्बो मैनिपुलेटर में हमारे पास जो काइनेमेटिक चेन बनेगी, वो ऐसी बनेगी जहां पे हमारे पास, हम कह सकते हैं ये हमारा बेस हो गया एल्बो का, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीन, हमारे पास क्या मिल रहे हैं, हमें रेवोल्यूट ज्वाइंट मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये देखो ना, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री। ठीक है, तो हमारे पास जो मिल रहा है, तीन रोटेशनल हमारे पास ज्वाइंट है, रिवोल्यूट ज्वाइंट है, क्योंकि तीन है ना हमारे पास, थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री। ठीक है, जैसे आप अपने ये जो एल्बो है, इसको आप ऐसे एनालॉजिकली आप ट्रीट कर सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, तीन लिंक्स हैं, अपना एक बेस लिंक हो गया, एक दो और तीन, ये तीन तीन और ये चार, चार लिंक होंगे और तीन हमारे पास क्या है, रेवोल्यूट ज्वाइंट है, और इन तीन रेवोल्यूट ज्वाइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, तीन डिग्री ऑफ रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, चलो ये हम बाद में देखते हैं, आगे देखो। नाउ सपोज ई आई इज द होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट एक्सप्रेसेस द पोजिशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ, अब ये जो ए आई है, ये हमें क्या देगी,
ये क्या दे रही है, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। इसके अंदर हमें क्या पता चल रहा है, जो हमारे पास आगे वाले लिंक का मोशन है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस लिंक, ठीक है, ये हमारे पास आगे वाला लिंक हो गया और ये हमारे पास पीछे वाला लिंक हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो मोशन होगा वो हमें कहां से मिल रहा है, इस एआई से। एआई इज द होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स एआई इज नॉट कांस्टेंट बट वेरीज एज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द रोबोट इज चेंज्ड। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो मैट्रिक्स आई है ये हमारी कॉन्स्टेंट नहीं होती, क्योंकि पोजिशनल ओरिएंटेशन जो है वो हर लिंक की ना विद द चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी डिग्री ऑफ रोटेशन चेंज होता है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास मोशन है वो चेंज होगा और ये जो मैट्रिक्स होगी इसके अंदर चेंज मिल जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम, हाउएवर द अजम्पशन दैट ऑल द जॉइंट्स आर आइदर रेवोल्यूट और प्रिस्मेटिक दैट एआई इज ए फंक्शन ऑफ ओनली अ सिंगल जॉइंट वेरिएबल नेमली क्यूआई। तो यहां पर क्या है कि अब जो आपके पास मोशन है उसको हम क्या मान लेंगे कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास डिग्री ऑफ रोटेशन क्या है या जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है। तो ये जो हमारे पास होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी ये किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, आपकी जॉइंट के पास एट एन इंस्टेंट कौन सा मोशन है तो उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी हमारी क्या होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। और ये देखो Now the homogeneous transformation matrix that expresses the position and orientation of, ये देखो अब ये क्या है, homogeneous transformation matrix हमें क्या बता रही है, position and orientation of OJ, XJ, YJ, ZJ with respect to is a transformation matrix and is denoted by, अब यहां देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और इसके अंदर क्या डिफरेंस है होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में, ये देखो अब हमारे पास क्या होगी, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो थी वो क्या एक्सप्रेस कर रही थी आपको, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम है इसकी मोशन विद रिस्पेक्ट टू द, यानी कि अब हम लिंक्स को छोड़ के अगर हम किसके ऊपर आ जाए, अब लिंक के मोशन को छोड़ के अगर हम कोऑर्डिनेट फ्रेम के मोशन को देखें, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है हमारे पास लिंक का मोशन देख रहे हैं हम, ठीक है, आगे वाले लिंक का पीछे वाले लिंक के रिस्पेक्ट में जो मोशन है अगर हम उसमें एक्सप्रेस करें तो हमारे पास क्या बनेगी, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए तो वो वहां पे हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट फ्रेम का, आगे वाले कोऑर्डिनेट फ्रेम का पीछे वाले कोऑर्डिनेट फ्रेम के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमें कहां से मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, टी जे आई, मतलब कि जेएथ जो हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम है उसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू द आईएथ फ्रेम जो हमें मिलेगा वो हमें कहां से मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आएगी, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है, If I less than J, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, ये पीछे वाला कोऑर्डिनेट फ्रेम, ये आगे वाला कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। क्योंकि हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स कर रहे हैं ना, हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो एक कोऑर्डिनेट फ्रेम का जो इफेक्ट है वो दूसरे कोऑर्डिनेट फ्रेम पर जा रहा है। तो अगर I less than J है तो हमारे पास जितनी भी होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन से हमें क्या मिल जाएगी, जो हमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलेगा, क्यों हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, एंड इफेक्टर की पोजीशन और ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बेस लिंक, वो हमें कहां से मिलेगी, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पर आई क्यों आया, हाँ जी कोई बता सकते हैं, अब यहाँ पे आई क्यों आया, इफ आई इक्वल टू जे होगा तो, जी इफ आई इक्वल टू जे होगा तो हमारे पास जो होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी वो आई क्यों बनेगी, क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर कंप्लीटली सुपर इंपोज रहते हैं तो हम वहां पे क्या कंसिडर करेंगे, कोई भी रोटेशन नहीं हुई, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई,
तो नो रोटेशन मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ये देखो, अगर आपके पास रिवर्स करना हो, आपको इनवर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम के साथ डील करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका इनवर्स लेके, और ये हम इनवर्स कब लेंगे, जब हमारे पास आगे वाला कोऑर्डिनेट फ्रेम इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस उसका नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ जी, बाय द मैनर इन विच वी हैव रिजिडली अटैच्ड द वेरियस फ्रेम्स टू द कोरिस्पोंडिंग लिंक्स, इट फॉलोज दैट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एंड इफेक्टर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन फ्रेम एन इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द रोबोट। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, जिस तरीके से हम अभी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी हैव रिजिडली अटैच्ड द वेरियस फ्रेम्स टू द कोरिस्पोंडिंग लिंक्स। हमने क्या किया, डिफरेंट लिंक्स के ऊपर हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम को असाइन कर दिया। इसके कारण होगा क्या, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एंड इफेक्टर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन फ्रेम एन इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ द रोबोट। तो इसके कारण हमें मिलेगा क्या कि जो पोजीशन होगी ना, जो उसकी ओरिएंटेशन होगी, हम उसको फिक्स कर लेते हैं, किसी भी फ्रेम के अंदर उसकी जो पोजीशन होगी वो फिक्स हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन जो मर्जी हो, लेकिन अगर हमने इस प्रॉब्लम को, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को, अगर हमने इस अप्रोच के साथ डील किया ना, तो हमारे पास क्या होगा, एंड इफेक्टर की जो पोजीशन होगी, एंड इफेक्टर का जो मोशन होगा, उसको हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रोबोट। इन ऑर्डर द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल, और ठीक है। अब ये देखो, यहां तक देखो, नोट द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल और बेस फ्रेम बाय अ थ्री वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, ओ एन जीरो का मतलब क्या है कि हमारे पास एंड इफेक्टर की जो पोजीशन और पोजीशन है, जो ओरिएंटेशन है, हमने इस वेक्टर की हेल्प से हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। एंड द थ्री बाय थ्री रोटेशन मैट्रिक्स डिफाइन द होमोजीनियस, ये देखो यहां तक देखो, हमने क्या कर दिया, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को हमने डिनोट किया विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल और बेस फ्रेम बाय अ थ्री वेक्टर एंड द थ्री बाय थ्री रोटेशन मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या है, एक तो रोटेशन मैट्रिक्स है, और हमारे पास क्या है, थ्री वेक्टर, ये जो हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट फ्रेम की पोजीशन है, ठीक है, हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और हमारे पास क्या आ जाएगी, होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। यही था आपके पास, ये जो ये मिल रहा है ना आपको कोऑर्डिनेट फ्रेम की पोजीशन, ठीक है, ये एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एंड इफेक्टर के अंदर। यही हमने किया था कि जो हमने इससे पहले हमने वो किया था कि चार कॉम्पोनेंट बनाए थे हमने, रोटेशन, डिस्प्लेसमेंट, पर्सपेक्टिव और स्केलिंग, ठीक है। इस ओरिजिन वेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को हम फिक्स कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनर्शियल और बेस फ्रेम, ठीक है। ये हमें देता क्या है, देखो ये जो ओरिजिन वेक्टर है, ये हमें देता क्या है, विच गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एंड इफेक्टर फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। तो यहां से हमें क्या मिल जाती है, उसकी पोजीशन मिल जाती है, ठीक है। और होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कैसे आ सकती है, ये हमारे पास क्या थी कि हमने लिंक का मोशन देखा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे हर लिंक का प्रीवियस लिंक के साथ आ रहा है, इस मैट्रिक्स से हर लिंक का प्रीवियस लिंक के साथ क्या आ रहा है, एक रिलेशनशिप आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कंबाइंड इफेक्ट मिल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें क्या दे रही है, कंबाइंड इफेक्ट दे रही है, किसका, nth कोऑर्डिनेट फ्रेम का जीरोथ कोऑर्डिनेट फ्रेम के साथ रिलेशनशिप जो हमें मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कंबाइंड इफेक्ट मिल रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड h, h क्या मिल रहा है, होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जितनी भी हमारे पास होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है,
जी आई लिंक का इफेक्ट हमें किसके साथ मिल रहा है, आई माइनस वन लिंक के साथ मिल रहा है, उसका रोटेशन कंपोनेंट और ये उसका पोजीशन कंपोनेंट भी दे, यहां से हमें रिलेशनशिप मिल रहा है कोऑर्डिनेट फ्रेम्स का आपस में। ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ ये देखो ट्रांसफॉर्मेशंस इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम्स वो हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें रोटेशन और ये हमें मिल रहा है कोऑर्डिनेट वेक्टर्स का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जो पोजीशन हमारे पास इफेक्ट आएगा ना कोऑर्डिनेट फ्रेम्स का वो हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है, ओ जे आई का, ठीक है, जे एथ जो कोऑर्डिनेट फ्रेम होगा उसका आई एथ के साथ रिलेशनशिप हमारे पास कैसे डेवलप होगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वहां पे हमारे पास रोटेशन कंपोनेंट भी है वो भी आ जाएगा साथ में। रोटेशन भी हमें क्या देगा, पोजीशन में इफेक्ट देगा, रोटेशन के कारण भी क्या मिलेगा हमें, पोजीशन में इफेक्ट मिलेगा। यहां पर क्या है कि कंबाइंड इफेक्ट है, जे माइनस वन जे जैसे इसका, जैसे यहां पर है ना हमारे पास ये देखो जैसे यहां पे हमारे पास क्या लगा हुआ है ना कि जो तीन लिंक है ना, तीन लिंक उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। ठीक है, और पोजीशन हमें कहाँ से मिलती है, ओरिजिन वेक्टर से। तो इसको जब हम प्रॉब्लम में डील करेंगे फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इतना हो गया आपके पास। अब जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है ना, जो इसकी नोटेशंस है वो हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट फॉर 1-2 मिनट्स और। अच्छा, एक पे यही है। हाँ, ये यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा जो नोटेशंस हैं, जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, अब हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम्स आपको जो पोजीशन मिलेगी किसकी, एंड इफेक्टर की, और इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं कि ये जो डिग्री ऑफ रोटेशन है, ये एंगल ऑफ रोटेशन है, यहां से आपको क्या मिलेगी, एंड इफेक्टर की ओरिएंटेशन मिलती है। तो ये देखो इससे कौन कौन से पैरामीटर्स एसोसिएट होंगे, जो हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे। अब हमारे पास जो इनपुट पैरामीटर्स हम किसको असाइन करेंगे, जो हमारे पास लिंक के पैरामीटर्स हैं या फिर हमारे पास जो ज्वाइंट के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, लिंक हम किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए, लिंक्स चाहिए, और अगर हमें रिलेटिव मोशन चाहिए तो वहां पे हमें क्या चाहिए, ज्वाइंट पैरामीटर्स चाहिए। लिंक पैरामीटर्स हमें क्या बताएंगे, यूज टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर। जब हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे हम पैरामीटर्स यूज करेंगे ए और अल्फा, और जब हम ज्वाइंट एंगल या ज्वाइंट पैरामीटर्स को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वहां पे हम यूज करते हैं डी और थीटा। ठीक है, अब ज्वाइंट के साथ जो पैरामीटर्स एसोसिएट होंगे वो होंगे डी और थीटा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव डिग्री ऑफ रोटेशन यूज टू रिप्रेजेंट रिलेटिव मोशन ऑफ नेबरिंग लिंक। ठीक है, तो दो लिंक का आपस के बीच में जो इनका आपस में क्या है इन टर्म्स ऑफ जो मोशन के टर्म्स में अगर इनका रिलेशनशिप देखें तो वो हमें कहां से मिलेगा, डी और थीटा से। ठीक है, डी और थीटा से हमें क्या मिलेगा, दो लिंक का आपस में रिलेटिव मोशन। ठीक है, और ये लिंक हमें क्या बताएंगे कि स्ट्रक्चर की लेंथ या स्ट्रक्चर की जो काइनेमेटिक की जो उसकी ज्योमेट्री है वो हमें बताएंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर जो हमारे पास आ रहा है कि हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, रोबोट के जो स्ट्रक्चर है उसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, इन टर्म्स ऑफ ए और अल्फा। तो पहले हमारे पास आ रहा है लेंथ ऑफ लिंक आई। ठीक है, जैसे आपके पास ये क्या है, ये प्रीवियस लिंक है और ये हमारे पास जो आगे वाला लिंक है। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट लिंक है और ये हमारा प्रीवियस लिंक है। तो इन दोनों के बीच में
एक तो हमारी क्या बनेगी, काइनेमेटिक चेन बनेगी विद द हेल्प ऑफ लिंक्स, और ये जो हमारे पास क्या है जॉइंट जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमारी जो काइनेमेटिक चेन बनेगी, अब ये देखो, लेंथ ऑफ लिंक आई इट इज दी म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, अब ये देखो हम किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, ठीक है। तो हम लिंक की लेंथ को क्या मानेंगे, देखो लिंक है हमारे पास ए आई, इसकी जो लेंथ होगी हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट इज दी म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस आई माइनस वन एंड एक्सिस आई अलोंग एक्स आई, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम बना रखे हैं, ठीक है। जैसे ये एक्सिस आई माइनस टू है, ठीक है। अब लिंक आई माइनस वन के साथ जो हमारे पास एक्चुएशन आएगा वो हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सिस आई माइनस टू के टर्म्स में, और लिंक आई के साथ जो हमारे पास एक्सिस आएगी वो कौन सी आएगी, आई माइनस वन, क्योंकि आपको पता है कि जो इसके अंदर एक्चुएशन है वो हम आगे ट्रांसफर करते हैं, जो इसके अंदर एक्चुएशन होगी वो हम इसको ट्रांसफर करेंगे, जो इसके अंदर एक्चुएशन होगी वो हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो एट लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो किसके टर्म्स में आता है, एंड इफेक्टर का हमने मोशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू द बेस लिंक, ठीक है। तो अब ये देखो हमने वो बना दिया जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हर कोड जो है हमने हर ज्वाइंट के ऊपर क्या बना रखा है, कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। अब ये ज्वाइंट आई माइनस टू हो गया, ये ज्वाइंट आई माइनस वन हो गया, और ये ज्वाइंट आई हो गया, ठीक है। इसकी एक्सिस आई माइनस टू होगी, ये इसकी एक्सिस आई माइनस वन होगी, और ये एक्सिस आई होगी, ये हो गया ना पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर देखो कि लिंक्स कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और डिग्री ऑफ रोटेशन कैसे है उसके अंदर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है हमने किसके बीच में, आई माइनस वन और आई के बीच में, और अलोंग एक्स आई, ये देखो ये आई माइनस वन और ये हमारे पास आई, ये एक्स आई, ठीक है। तो इसके अलोंग हमने क्या देखना है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ए आई, ठीक है। जो लिंक की लेंथ होगी ना, इस लिंक आई की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ए आई, और ए आई को हम कैसे बताते हैं, इट इज दी म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन दी एक्सिस आई एंड आई माइनस वन, ठीक है, अलोंग एक्सिस एक्स आई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ए आई, ठीक है। ऐसे अगर हमने अगर इस लिंक की लेंथ देखनी हुई तो वो हमें कैसे मिलेगी, एक्सिस एक्स माइनस वन के अलोंग जो आपका म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा, देखो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर भी है, इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और इस एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, तो ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लिंक आई माइनस वन की लेंथ, ठीक है, ए आई हो गया। एंगल ऑफ ट्विस्ट, अब इसके अंदर हर पर्टिकुलर लिंक के अंदर क्या होगा, एक डिग्री ऑफ रोटेशन है, तो डिग्री ऑफ रोटेशन देखते हैं, एंगल बिटवीन जेड एक्सिस। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक है, अब एंगल ऑफ ट्विस्ट देखेंगे हम, हर लिंक का हम क्या, हर ये जो देखो एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ लिंक आई, अब ये देखो ना जो इसके अंदर ज्वाइंट एंगल होगा वो हमने किसको ट्रांसफर किया है, इस लिंक को ट्रांसफर किया है, ठीक है। एंगल ऑफ रोटेशन हमने इस लिंक को ट्रांसफर किया है, जो इसके अंदर रोटेशन होगा वो हमने इस लिंक को दिया है। तो इस लिंक के अंदर कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट है, अगर हम उसको मेजर करें तो वो हम कैसे मेजर करेंगे, एंगल बिटवीन जेड एक्सिस, ठीक है। ये देखो एंगल बिटवीन जेड एक्सिस, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन एक्सिस आई माइनस वन एंड एक्सिस आई, इफ टू एक्सिस आर पैरेलल देन अल्फा आई इज जीरो, एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। ये देखो हमने क्या करना है, इस एक्सिस को अगर हम इसके साथ क्या बनाए, पैरेलल बनाए, तो पैरेलल बनाने के लिए हमें कितना डिग्री ऑफ रोटेशन चाहिए, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर दिस लिंक आई। अगर ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल हैं तब ये अल्फा आई क्या होगा, जीरो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव एंगल ऑफ रोटेशन।
ठीक है। तो लिंक आई के लिए हमारे पास जो अल्फा आई होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको हमें कितना डिग्री ऑफ रोटेशन देनी पड़ेगी ताकि ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब ये देखो आई माइनस टू को आपको कितनी डिग्री ऑफ रोटेशन देनी पड़ेगी ताकि आई माइनस वन और आई माइनस टू दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। जितनी डिग्री ऑफ रोटेशन आपको देनी पड़ेगी उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर लिंक आई माइनस वन। हाँ जी, क्लियर हो रही है बेटा? जैसे ये देखो स्पेशल केस, बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड लाई इन सेम प्लेन, दस दी म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अब ये देखो, अब ये दोनों जो है आई माइनस वन और आई जो है, अगर वो इंटरसेक्टिंग हो और एक ही प्लेन के अंदर हो, लाई इन सेम प्लेन, दस दी म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए आई इज अब्सेंट एंड देयर फॉर जीरो, तो लिंक की लेंथ कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज जीरो हो जाएगी। अब ए आई आपके पास जीरो कब हो सकता है, देखो ए आई को आप थ्री डी थोड़ी सी आपको पिक्चर एज्यूम करनी करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी थ्री डी इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी। ए आई की जो लेंथ है, ये लिंक आई को हम क्या करना है, हमने जीरो बनाना है। हम जीरो उसको कब बना सकते हैं, अगर ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और ये दोनों एक्सिस क्या हो, एक ही प्लेन के अंदर हो, तो हम ए आई को क्या मान सकते हैं, जीरो, क्योंकि म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों का जीरो हो जाएगा अगर ये दोनों सेम प्लेन के अंदर आ जाए और इंटरसेक्टिंग हो, तो ए आई की लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आपको क्या करना होता है, जो रोबोट की काइनेमेटिक चेन है ना, जो रोबोट मैनिपुलेटर है, आपको उसको अब ज्यादा बड़ा बना दोगे तो आपके पास जो लिंक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे, और अगर कम लिंक्स होंगे तो डेफिशिएंट हो जाएगी आपकी रोबोटिक चेन। ठीक है, तो आपको अगर लिंक्स का जो नंबर है अगर उनको सेट करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, कई बार ज्वाइंट्स को हमें हटाना पड़ता है, कई बार हमें लिंक्स को हटाना पड़ता है। तो लिंक्स को हम कब हटा सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो जाए, एक ही ज्वाइंट की कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दो मोशन मिल रहे हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लिंक को हम हटा सकते हैं। ठीक है, यान मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया सिलेंड्रिकल ज्वाइंट लगा दिया। ठीक है, सिलेंड्रिकल में आपके पास दो अगर डिग्री ऑफ रोटेशन है, आप इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो और इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो, तो वहां पे आपको ये लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप क्या करोगे, इस लिंक को हटाओगे और यहाँ पे आप सिलेंड्रिकल ज्वाइंट लगा दोगे या प्लानर ज्वाइंट लगा दोगे, तो दो डिग्री ऑफ दो दो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको डिग्री ऑफ रोटेशन मिल जाता है। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, ये चीज समझ में आई बेटा? दो पैरामीटर आपको समझ में आया, दो पैरामीटर ए आई और अल्फा आई। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्या है, ऑफसेट ऑफ लिंक आई। ठीक है, ऑफसेट ऑफ लिंक आई, ये देखो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन्स और आप क्या कह सकते हो एक्स आई माइनस वन और एक्स आई के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है अलोंग जेड आई माइनस वन, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ए आई माइनस वन इंटरसेक्ट द एक्सिस आई माइनस वन टू द पॉइंट वेयर आई। अब ये देखो जो ऑफसेट ऑफ लिंक आई है डी आई, हमने इसको कैसे मेजर किया है? ठीक है, अब इस लिंक के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ऑफसेट है, ठीक है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ए आई माइनस वन एंड टू द पॉइंट एक्स आई माइनस वन और एक्स आई के बीच में क्या है, डिस्टेंस है अलोंग जेड आई माइनस वन। ये देखो कि जो हमारे पास एक्सिस आई है और एक्सिस एक्स आई माइनस वन है अलोंग जेड आई माइनस वन, जो एक्सिस है हमारे पास इसके अलोंग जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डी आई। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ए आई माइनस वन इंटरसेक्ट्स द एक्सिस आई माइनस वन।
to the point where AI intersects the axis I minus 1 measured along the z axis. AI minus 1. अच्छा देखो क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो हमारे पास ये वाली एक्सिस है ना ए आई और एक हमारे पास ये वाली एक्सिस है ए आई माइनस वन, ये एक्सिस आई माइनस वन को ना इंटरसेक्ट करती है ठीक है, और ये जो ए आई वाली एक्सिस है ये इसको I माइनस वन को इंटरसेक्ट करती है, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे ठीक है, तो हमारा ये जो डिस्टेंस होगा ना ये हमारा DI बन जाएगा, ये देखो इट इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट वेयर ए आई माइनस वन इंटरसेक्ट द एक्सिस I माइनस वन ठीक है, ए आई माइनस वन जो एक्सिस है ये एक्सिस I माइनस वन को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है ठीक है, और सिमिलरली जो आपके पास है टू द पॉइंट वेयर ए आई इंटरसेक्ट द एक्सिस I माइनस वन मेजर्ड अलोंग द सेड एक्सिस, तो I जो हमारे पास I माइनस वन वाली एक्सिस है ना इसके अलोंग हमें डिस्टेंस मेजर करना है, और हम ये मानते हैं कि ये जो ए आई है ये I माइनस वन को इंटरसेक्ट करती है और ए आई माइनस वन ये भी I माइनस वन को इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना ठीक है उसको हम क्या बोल रहे हैं डी आई ठीक है, अब ये जो है ये पॉजिटिव हो सकता है जीरो हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, तो कोऑर्डिनेट फ्रेम की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये जो डिस्टेंस होगा इसको जीरो एज्यूम करेंगे नेगेटिव एज्यूम करेंगे या पॉजिटिव एज्यूम करेंगे ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट एंगल थीटा आई, एक्सिस बिटवीन एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई अबाउट जेड आई माइनस वन ठीक है, अब ये देखो जो जॉइंट एंगल है इसको हम कैसे मेजर करेंगे, एंगल बिटवीन एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई अबाउट जेड आई माइनस वन ठीक है, अब इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का अब हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच का ना ये देखो एक्सिस एक्स आई और एक्सिस एक्स आई माइनस वन इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है कि ये दोनों है ना पैरेलल हो जाए, तो हमें कितने डिग्री ऑफ रोटेशन देना पड़ेगा अबाउट दिस एक्सिस आई माइनस वन ताकि ये दोनों पैरेलल हो जाए, कौन कौन सी एक्सिस एक्स आई माइनस वन और एक्सिस एक्स आई, तो हम इस लिंक आई के लिए क्या कंसिडर करते हैं थीटा आई ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेंगे इनपुट पैरामीटर्स बनेंगे, हाँ जी ये चार चीज समझ में आई आपको, कौन कौन से हैं लेंथ ऑफ लिंक एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफसेट और जॉइंट एंगल, अब हम कोऑर्डिनेट फ्रेम्स की जो हम पहले बता रहे थे ना आपको, मैं पहले बता रहा था आपको जैसे कि कोऑर्डिनेट फ्रेम के साथ हम रिलेशनशिप देख रहे हैं लिंक का, अब हम हर पर्टिकुलर लिंक का एक वो देख रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर लिंक को क्या दे रहे हैं चार पैरामीटर असाइन कर रहे हैं, और उन चार पैरामीटर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे जो हमारे पास आउटपुट में मोशन आएगा ना क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एंड इफेक्टर वो हमने स्टडी करना है ठीक है, हाँ जी होता है आज के लिए जी, ये चीज समझ में आई बेटा इनपुट पैरामीटर्स जी सर लिंक आई, हाँ जी सर ठीक है, उसमें क्या था ना जो हम इससे पहले वाली अप्रोच यूज कर रहे हैं ना जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट फ्रेम की पोजीशन बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कोऑर्डिनेट फ्रेम, उसके अंदर हमें क्या डिफिकल्टी आती है कि हमें कोऑर्डिनेट फ्रेम का रिलेशनशिप देखना पड़ता है एंड इफेक्टर के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम एंड इफेक्टर का जो रिलेशनशिप है ना हम किसके साथ देख रहे हैं डिफरेंट लिंक्स के साथ देख रहे हैं
है, तो उसमें थोड़ी हमें क्या थी डिफिकल्टी थी, ठीक है, वहां पे हम क्या थे क्यूमुलेटिव इफेक्ट को ठीक से हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे, उसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होएगा, हमारे पास हर लिंक के कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, चार पैरामीटर्स होते हैं, तो हम हर लिंक के साथ क्या देख पाते हैं, एंड में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है एंड इफेक्टर का, हम उसको स्टडी कर पाएंगे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट को हम स्टडी कर पाएंगे। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू ऑल। मैं आपके एक बार अटेंडेंस ले लूँ, या भी और करें, थोड़ा सा टाइम वही मेरे को लग रहा है करना चाहिए थोड़ा सा और, 10:30 हो गए अभी, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखो आगे क्या है हमारे पास, रेवोल्यूट जॉइंट है, तो रेवोल्यूट जॉइंट के अंदर क्या होगा, जो थीटा आई है वो वेरिएबल होगा एंड अदर थ्री आर कैप्ट कॉन्स्टेंट। तो रेवोल्यूट जॉइंट के केस में हमारे पास क्या है कि जो थीटा आई है, थीटा आई हमारे पास क्या है, ज्वाइंट एंगल, तो जॉइंट एंगल जो है वो आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी है, रेस्ट ऑल थ्री आर केप्ट कॉन्स्टेंट। प्रिस्मैटिक में क्या होगा, जो डी आई है, ठीक है, ऑफसेट फॉर लिंक आई, वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है और रेस्ट थ्री आर केप्ट कॉन्स्टेंट। अब हमने क्या करना है, तो सबसे पहले जब भी हमें रोबोटिक में काइनेमेटिक चेन दी होगी, उस काइनेमेटिक चेन को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारे पास ओरिजिन्स होंगे हम उसको सेट करते हैं, ओरिजिन का मतलब हम कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को वहां पर असाइन करते हैं, तो डिफाइन ओरिजिन, ओरिजिन को हम कैसे असाइन करेंगे, वेयर जेड एक्सिस इंटरसेक्ट, ठीक है। तो हमने ये देखो, जहां पर जेड एक्सिस हमारी इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट फ्रेम आ जाएगा, ठीक है, जैसे ये और ये आपस में जहां पर भी इनकी इंटरसेक्शन होगी वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट फ्रेम्स आ जाएंगे। वेयर कॉमन नॉर्मल इंटरसेक्ट जेड आई माइनस वन इन केस ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग जेड एक्सिस। अब नॉन इंटरसेक्टिंग अगर जेड एक्सिस होंगी तो वहां पे कॉमन नॉर्मल जो है, वेयर कॉमन नॉर्मल इंटरसेक्ट जेड आई माइनस वन, ठीक है, तो जो कॉमन नॉर्मल होगा वो इंटरसेक्ट जहां पे करेगा जेड आई माइनस वन को, वहां पे हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन की पोजीशन होगी इन केस ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग जेड एक्सिस, ठीक है। अगर दोनों पैरेलल होंगी तो हम जेड आई माइनस वन के ऊपर कहीं पर भी ओरिजिन को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट कॉमन नॉर्मल होंगे। जहां पे पैरेलल होंगी दोनों एक्सिस तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, जेड आई माइनस वन एक्सिस के ऊपर हम कहीं पर भी ले सकते हैं ओरिजिन, ये वही आ गया असाइनिंग कोड। अब ये देखो कोऑर्डिनेट्स को, यहाँ हमने ओरिजिन असाइन किया, अब हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे असाइन करेंगे, जेड आई माइनस वन इज एन एक्सिस अबाउट विच द रोटेशन इज कंसीडर्ड और अलोंग विच द ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। तो जेड आई आपको पता ही है, इसके अलोंग हम क्या कंसिडर करते हैं, या तो ट्रांसलेशन या फिर हम रोटेशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है। जेड आई माइनस वन एंड जेड आई एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक्स आई एक्सिस विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम जेड आई माइनस वन टू जेड आई अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, ठीक है। तो एक्स आई की जो पोजिशन होगी, ठीक है, अब ये देखो एक बार, जेड आई माइनस वन एंड जेड आई एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल हैं तो एक्स आई जो होगी, एक्स आई एक्सिस विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम जेड आई माइनस वन टू जेड आई अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। अगर दोनों एक्स एक दूसरे से पैरेलल हैं तो एक्स आई जो होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, जेड आई माइनस वन टू जेड आई, ये देखो अगर ये दोनों हमारे पास हो जाती हैं, अगर ये पैरेलल हो, एक मिनट पैरेलल थी या नॉन इंटरसेक्टिंग, पैरेलल हो तो एक्स आई जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम जेड आई माइनस वन टू जेड आई अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इधर ऑफ टू रिमेनिंग डायरेक्शंस, ठीक है। यहां पर क्या है कि इंटरसेक्शन अगर है तो जेड आई माइनस वन टू जेड आई, ये देखो आपने क्या ले लिया,
क्रॉस प्रोडक्ट, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स आई की हम पोजिशन निकाल सकते हैं. एक्स एक्सिस कैन बी सिलेक्टेड अलोंग ईदर ऑफ टू रिमेनिंग डायरेक्शंस. उस केस में क्या होता है कि हमारी जो एआई होती है लिंक की जो लेंथ होती है वो हमारी जीरो हो जाती है, एंड द एक्स कैन बी सिलेक्टेड, और हमारे पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आ जाती है. अगर दोनों क्या है, एक्सिस एक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोलिनियर है, तो एक्स एक्सिस कैन बी सिलेक्टेड एनीवेयर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू देम. ठीक है, अगर दोनों कोलिनियर है तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस होगी उसको हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, एनीवेयर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू देम. ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगी. तो जैसे ये देखो ना, जेड आई माइनस वन और जेड आई जो है अगर हमारी परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस जो होगी उसकी डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, कैन बी सिलेक्टेड एनी वेयर इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर कहीं भी हो सकती है, जो उन दोनों एक्सिस के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो. वाई एक्सिस हमें कैसे मिलेगा, जेड क्रॉस एक्स करके, क्रॉस प्रोडक्ट लगा के. तो जेड क्रॉस एक्स करना है, आपको याद रखनी है. ठीक है, तो यहां से हम कल करेंगे, ये हमारे पास बनेगी होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. यहां से हम कल करते हैं, एक बार मैं अटेंडेंस ले लू आज. आयुष अभिषेक शर्मा, बलराज सिंह, आर यू प्रेजेंट टुडे? सिमरत कौर प्रेजेंट सर. आप आज इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने क्लास? सर मैंने पहले भी किया था, फिर वापस मेरी क्लास बंद हो गई थी, पता नहीं क्यों फिर वापस मैंने किया. नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम. ठीक है, विभोर प्रेजेंट सर. बलराज प्रेजेंट है? बलराज बलराज चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू ऑल. थैंक यू सर.